हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय राम जी की। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल धवज की रसोई में, और मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी धवज की रसोई में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। ये बहुत ही कुरकुरी बनेगी और टेस्टी बनेगी। और हम इन्हें इस सब्जी को ना बगैर लहसुन प्याज की बनाएंगे, एकदम कुरकुरी सी। तो चलिए फिर, ये हमने ले ली है इस तरीके की, नरम होनी चाहिए ये देखिए। और छोटी बड़ी कैसी भी ले लीजिएगा। और ये हमारी 500 ग्राम भिंडी है, इन्हें हमने धो के अच्छे पानी से साफ़ करके और किचन टॉवल से पोंछ कर इसे रख लिया है सुखाकर। सुखाकर ही लीजिएगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो हमारी कुरकुरी भिंडी नहीं बनेगी। तो ये हम कुरकुरी भिंडी बना रहे हैं, तो वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो एंड तक ही देखना, आप स्क्रिप करके वीडियो ना देखा करें, क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी छोटी सिस्टर विकलांग है और बहुत ही मेहनत से और लगन से काम करती है। तो थोड़ा क्योंकि आज तो चलिए फिर हम इस गर्मी वाली भिंडी को अच्छी चटपटी सी बनाते हैं और देर ना करते हुए। और इन्हें हम कट करेंगे, तो इसको इस तरीके से हम कट करेंगे, तो इस तरीके से इसका ये भी निकाल देंगे हम, पीछे के साइड का भी थोड़ा सा डंठल और आगे के साइड के। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, और इसमें से हमें आधी में चीर लगाना है, पूरी में नहीं लगाना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें आधी में चीर लगाना है। ये भिंडी है ना, भरवा तो नहीं बनेगी, लेकिन भरवा से कम भी नहीं रहेगी और बहुत ही टेस्ट लगेगी। भरवा भिंडी हम अक्सर बनाते हैं तो ज़्यादा समय ले लेती है और बहुत टाइम लग जाता है, तब जाके भिंडी भरवा बनती है मसालेदार। लेकिन ये है ना, भरवा ही बनेगी और बहुत ही कम समय में बनेगी। तो इसे देखकर बनाया करें, जैसे ये इडली वाली है, तो इसको हम साइड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके, तो ये देखिए सारी को हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए हमने इस तरीके से सारी कर ली। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब चलिए हमारी गैस की ओर। लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारी भिंडी को इस तरीके से कट कर लिया है, अब चलिए हमारी गैस की ओर। गैस में हमने कढ़ाई रख दी, उसमें ऑयल ले लेंगे हम बड़ी चम्मच से, एक चम्मच। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेंगे अभी, फिर बाद में चाहे तो हम कम कर देंगे। तो इसको है ना फ्राई करेंगे हम, तो इसमें ऑयल ले लेते हैं एक बड़ी चम्मच हम। और हाँ दोस्तों, और जब भी आप भिंडी वाली इस तरीके की सब्जी बनाए ना, तो कढ़ाइयाँ बड़ी ले, ये बर्तन बड़ा ले, जब भिंडी फ्राई करेंगे ना तो ये आपस में दूर दूर रहेगी, आपस में चिपकेगी नहीं, तो ये कुरकुरी बनेगी, नहीं तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगी, तो ये नरम हो जाएगी। बड़ी कढ़ाइयाँ ले, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, जो कि 1 टीस्पून है। और जीरा ऐड करने के बाद में जो भिंडी हमने कट करके रखी ना, वो सारी इसमें ऐड करेंगे हम, और इसमें फ्राई करेंगे। इसमें फ्राई तब तक करेंगे तब तक हमारी भिंडी अच्छी कुरकुरी ना हो जाए। और इसे ना तेज आंच पर ही करिएगा, मध्यम आंच में करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और पक जाएगी सॉफ्ट होके। तो इसलिए हमें इसे चलाते हुए तेज आंच पर इसे फ्राई करना है। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देते हैं, ताकि हमारी भिंडी है ना ग्रीन है तो ग्रीन ही रहे, ये काली ना पड़े। तो ग्रीन कलर के लिए इसमें हल्दी थोड़ी सी डाल दीजिएगा। हल्दी डालकर इसे फ्राई करिए, ताकि एकदम ग्रीन कलर रहेगा इसका। और इसे हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पर चलाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर इसे छोड़ेंगे, ताकि ये हमारे जो बुल्ले कट करे ना, हमने भिंडी कट करी, वो टूटे नहीं, एकदम आखी आखी रहे। तो थोड़ी थोड़ी देर कर लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये भिंडी हाफ पक चुकी है। अभी इसमें हम 4 हरी मिर्ची जो हमने इस भिंडी कट करी, बेसी कट करी, उसको ऐड कर देंगे, और भिंडी के साथ मिर्ची को भी हम पका लेंगे। ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो डाल लीजिएगा, वरना मत डाल लीजिएगा। थोड़ा सा साइड करके हम इसे पका लेंगे, जो जो भिंडी पक गई है उसे साइड कर लेंगे हम। और हमारी मिर्ची भी पक चुकी है, तो हम इसमें से थोड़ा सा ऑयल कम करेंगे, क्योंकि हमें जो भिंडी बना रहे ना, तो उसमें हमारा मसाला लिपटा रहना चाहिए, ऐसे कवर लेना चाहिए। तो इसे ऑयल हम निकाल देंगे इसमें से। भिंडी तो हमारी वैसे भी पक चुकी है और मसाले के साथ अच्छी कुरकुरी हो जाएगी। ऑयल हम इसमें से निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल है ये, और अगर ज़रूरत लगी तो हम बाद में ले भी लेंगे, और अगर नहीं लगी तो नहीं लेंगे, लेकिन पहले ऑयल निकाल देंगे। और एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया हमने, और ये देखिए
अब इसमें हम डालेंगे हींग थोड़ी सी, और हींग को थोड़ी सी डालेंगे हम, ऑप्शनल है हींग भी, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे हम इसमें, और आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और 2 टीस्पून हमारी लाल मिर्ची है उसको डालेंगे, और मिर्ची आप तीखा कम ज़्यादा खाए उस हिसाब से डाल लीजिएगा। तो 2 से 3 टीस्पून हमारा पिसा हुआ धना उसे डालेंगे हम, धना इसमें ज़्यादा लेना, और इसको चलाते हुए खा लेंगे हम। और मसाले भिंडी में मिला लेंगे हम, पक चुके हैं। और हल्दी हमारी थोड़ी सी लेंगे क्योंकि हमने पहले हल्दी से भिंडी पकाई है, तो थोड़ी सी हल्दी लेंगे ताकि हमारे मसाले कलर वाले हो जाए। और ये लीजिए, इन्हें हम अच्छे से उलटते पलटते, इसे हमें ढकना नहीं है, ऐसे ही पकाना है। अगर ढक के पकाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, कुरकुरी भिंडी नहीं रहेगी, और इसे मसाले हमारे खुशबू छोड़ दे अच्छे से, तब तक पकाना है। चाट मसाला डालेंगे हम 1 टीस्पून इसमें, चाट मसाला ना बहुत ही अच्छा टेस्ट, तो इसको मिक्स कर लेते हैं चाट मसाले को भी। चाट मसाला आप डालिएगा, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी भिंडी की। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी मसालेदार भिंडी कुरकुरी बनके तैयार है, और ये लग रही ना एकदम वेस्टम बेस्ट, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही, क्या बताएं आपको, एक बार ट्राई ज़रूर करना दोस्तों। भिंडी हमारी पक चुकी है, हम अगल बर्तन में निकाल लेते हैं, और ये भिंडी किसने बनाई है उसको भी हम बताएंगे। तो भिंडी निकाल लीजिए पूरी, ओ मसालेदार भिंडी, आहा, ये ना पराठे पूरी रोटी के साथ खाइए, इतनी अमेजिंग टेस्ट है इसका, क्योंकि इसमें हमारा अच्छा फ्लेवर है दोस्तों। आहा, ये तो साग है ना, एकदम ऑयल फ्री भिंडी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी की सब्जी बनके तैयार है, और आज की भिंडी ना बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारी छोटी सी गुड़िया रानी ने बनाई, गुड़िया रानी ने भिंडी बनाई है। आप सबको हमारी गुड़िया रानी की भिंडी रेसिपी सब्जी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। छोटे से बच्चा, उसे मन हो रहा था, उसको खाना बहुत पसंद है भिंडी, तो उसने ही कहा कि मुझे इस तरीके से बनाना है, तो मैंने बताती गई वो बनाती गई, और सारे सामान मसाले उसने ही यूज़ करे उसके पसंद से ही। आप भी अपने पसंद से मसाले यूज़ कर लीजिए। ये देखिए एकदम डिलीशियस भिंडी बनके तैयार है, और दोस्तों इसे पूरी परांठे या रोटी के साथ खाइए, इतना अच्छा टेस्ट देगी। अगर दाल चावल बना रहे हैं ना तो ये भिंडी ज़रूर बनाइएगा रोटी के साथ खाने के लिए, इतना अमेजिंग टेस्ट है इसका, क्या बताएं आपको।